राजधानी लखनऊ की, जहां कई जिलों में डीएम, कप्तान और कमिश्नर बदलने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। अफसरों की कार्यशैली को देखते हुए होगा एक बड़ा बदलाव। आगामी निकाय चुनाव के लिहाज से बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। अफसरों की ग्राउंड जीरो पर ली जा रही है रिपोर्ट, जहां 73 अधिकारियों पर कार्रवाई का जो काउंटडाउन है वो अब तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा, जहां चुनाव की वजह से होगा प्रशासन में फेरबदल। तो बड़ी खबर, अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक अब जनता देगी और सभी मंत्री अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक भी लेंगे, जहां मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कार्यशैली की पूरी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर, अफसरों की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट ली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है, साथ ही चुनाव की वजह से प्रशासनिक अमले में एक बड़ा फेरबदल आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि काउंटडाउन अब तेज शुरू हो चुका है और ऐसे में अब पूरी तरह से जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी, जिसके आधार पर एक बड़ा फेरबदल चुनाव से पहले होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर रुख करेंगे संवाददाता ओम का। ओम, कई जिलों में डीएम, कप्तान और कमिश्नर बदलने की तैयारी तेज हो चुकी है और काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? ओम, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? चलिए, फिलहाल ओम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से साथने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां कई जिलों में डीएम, कप्तान और कमिश्नर बदलने की तैयारी तेज हो चुकी है। ऐसे में चुनाव से पहले आपको बता दें कि प्रशासनिक अमले में एक बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। अफसरों की कार्यशैली पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर नजर बनाई हुई है। 73 अधिकारियों की रिपोर्ट भी यहां पर मांगी गई है, चिन्हित यहां पर किया गया है। 73 अधिकारियों पर कार्रवाई का जो काउंटडाउन है, यानी कि जो गाज है, वो अब आने वाले समय में गिरती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है और ऐसे में चुनाव की वजह से प्रशासनिक अमले में एक बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण फिलहाल फेरबदल माना जा रहा है। सभी मंत्री अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक लेंगे भी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने फीडबैक को लेकर एक रिपोर्ट भी यहां पर सामने रखी जाएगी, जिसके आधार पर एक बड़ा फेरबदल आने वाले समय में दिख सकता है। तो आगामी निकाय चुनाव के लिहाज से एक बड़ा फेरबदल आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जहां अफसरों के ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट भी अब लेनी शुरू कर दी है। 73 अधिकारियों पर कार्रवाई का जो काउंटडाउन है वो भी तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एक बार फिर रुख करेंगे संवाददाता ओम का। ओम, कई जिलों में डीएम, कप्तान और कमिश्नर बदलने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए ऋतु, जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से IGRS यानी जो आम लोगों की जन समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए जिस तरह से दिशा निर्देश वो अधिकारियों को दिए थे और उनका फीडबैक जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। ऐसे में कई ऐसे अधिकारी हैं, चाहे कई जिलों के DM हो, कप्तान हो, कमिश्नर हो, या पुलिस के अधिकारी हो, या इसके साथ साथ कई थानों के SHO हो, इन तमाम अधिकारियों का जो फीडबैक उत्तर प्रदेश सरकार के CM ऑफिस में मिला है उसमें उनमें तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हुए हैं। यानी जिस तरह से सुस्ती का बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका निदान नहीं हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो है वो बात करें निर्देश जरूर दिया था और उस निर्देश के बाद जिस तरह से फीडबैक आया है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव और IGRS यानी तमाम समस्याओं की जो जन समस्याएं उनका सही से निदान ना कर पाने की वजह से एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार अधिकारियों को ऐसी हिदायत दी गई थी कि अधिकारी जो है जो तमाम लोग हैं वो लखनऊ ज्यादा से ज्यादा ना आए और उनकी समस्याओं को जिले के स्तर पर समस्याओं को सुलझाया जाए, ऐसे में जो फीडबैक उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर तलवार लटकती हुई अब नजर आ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है ऐसे अधिकारियों को जो है जहां स्पष्टीकरण मांगा गया है अगर ऋतु वो स्पष्टीकरण में अपना जवाब सही नहीं दे पाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फेरबदल के तहत जो है उन्हें बदला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बात की जाए तो चाहे जिला अधिकारियों की बात करें या फिर
फिर कमिश्नर की बात करें या इसके साथ साथ कई कप्तानों की बात करें, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर जो है ये तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ तौर से ऐसे अधिकारियों को कहा था कि जो भी जन समस्याएं हैं उनका निदान त्वरित होना चाहिए, ऐसे में IGRS को लेकर जिस तरह से उन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां निकाय चुनाव, ऐसे में माना जा सकता है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों को जो है वो फेरबदल किया जा सकता है। ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर रहते जो है जन समस्याओं को सुनते हैं, सुनने के बाद उनकी निदान की बात करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए 73 ऐसे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों की बात कही जाए उन पर काउंटडाउन शुरू हो गया है। और देखने वाली बात यह भी ऋतु रहने वाली है कि आखिर कब इन पर तलवार लटकती है और कब इन्हें जो है इनको फेरबदल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर बात कही जाए उसको लेकर लगातार सरकार और सरकार के अधिकारियों के साथ साफ तौर से कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी निकल के सामने आए जो कि जिन जन समस्याओं को नहीं सुना है। यही वजह है कि उन लोगों को यानी जनता को उन तमाम समस्याओं को लेकर के राजधानी लखनऊ आना पड़ा है। और ऐसे में बात की तो जिस तरह से तमाम फीडबैक मिले हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री बिल्कुल ओम, कई अधिकारियों पर फिलहाल यहाँ पर तलवार लटकी हुई है और आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर अपडेट लेंगे।